बच्चे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के नाम बता दूंगा कि आप लोगों के लिए जब जब ये इंफॉर्म मैं यूज करूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो। बच्चे जो बक्स पेशी होता है कि जो डीप पेशी है पीनस का, ठीक है, और जो आपका डेलोडेड पेशी होता है आपके कैंपस स्काइमा, दोनों एब्डोमिनल वॉल के पेशी हैं। तो कैंपस पेशी होता है एब्डोमिन का जो पेशी होता है ना बच्चे, स्किन के बाद एब्डोमिन में स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद आपका मेम्ब्रेन में आपका सुपरफिशियल पेशी आता है। सुपरफिशियल पेशी एक है सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसको हम कैंपस कहते हैं, और दूसरी है डीप फाइब्रस लेयर या डीप मेम्ब्रेन जिसको हम सारे फेशिया के नाम अब आपको पता चल गए। अब हम लोग पेरिनियम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बच्चे ये पेरिनियम की बम्पीज देखिएगा क्या क्या है। एंटीरियरली कॉर्टिक सिंपथिस आता है, ठीक है, पोस्टीरियरली कॉर्टेक्स आती है और सैक्रम का लोअर एंड आता है। इसके अलावा बच्चे एंटोलेटरली इश्यू प्यूबिक रेमस आता है, ये देखिए बिल्कुल, और बच्चे पीछे की तरफ आपकी सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट आती है। इनके दरमियान से हम लोग इमेजिन करते हैं कि इमेजिनरी लाइन जो है वो पास कर रही है, जो कि इस पार्ट को दो पार्ट पेरिनियम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक आगे वाला होता है ट्रायंगल, उसको हम कहते हैं जेनिटल ट्रायंगल, और पीछे वाला होता है जिसको हम कहते हैं इनोरेक्टल या एनल ट्रायंगल, ठीक है। ये पेरिनियम की आपकी बेसिक बाउंड्री है। ये देखें बच्चे इस डायग्राम के अंदर भी बिल्कुल क्लियर जो है वो डिमार्केशन शो की हुई है कि कौन कौन से ट्रायंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनकी इमेजिनरी लाइन शो की हुई है। जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होती है वो पोस्टीरियरली ब्रिज करती है आपके। अब बच्चे हम स्टडी करते हैं कि जो आपका लिवेटर एमाइल मसल होता है ये बेसिकली क्या होता है। लिवेटर एमाइल मसल आपके पेल्विस में वो वाला मसल है जो कि सेपरेट करवा रहा है आप कह लें कि ट्रू और फॉल्स पेल्विस को, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आप ये भी कह सकते हैं कि पेल्विक डायफ्राम सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आपके पेल्विक ऑर्गन के लिए, क्योंकि ये लिवेटर एमाइल मसल से मिलकर बना होता है। और इनके पार्ट्स आप लोग देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल्स मेल्स की अगर हम बात करें तो ये यूरोजेनिटल हाइटस है, फीमेल्स में भी ये हाइटस इधर ही होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा और वजाइना की ओपनिंग होती है। इससे पीछे आपको बच्चे एनल हाइटस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि लिवेटर रहना है कि तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका जहाँ पे मेरा एरो जो है बच्चे वो घूम रहा है प्यूबोरेक्टाइलिस मसल, ठीक है, दूसरा है प्यूबोकॉक्सिजियल मसल, तीसरा बच्चे है इलियोकॉक्सिजियल मसल, और चौथा बच्चे एक अलग मसल भी इसको हम कह देते हैं और कभी हम कह देते हैं कि ये लिवेटर एनाई में ही शामिल कॉक्सिजियस मसल, ठीक हो गया। अब आप लोग ये देखें बच्चे लिवेटर एनाई के तीन पार्ट्स तो हमें कन्फर्म है ना, यूरोरेक्टल, यूरोकॉक्सिजियल और इलियोकॉक्सिजियल। ये बताने से पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपके ऑब्जुलेटरी फोरामेन में ये हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, तो ऑब्जुलेटरी फोरामेन में यहाँ पे आपका इंटरनल ऑब्जुलेटरी मसल मौजूद होता है। इसके ऊपर एक वाइट कलर की लाइन होती है जिसको हम कहते हैं टेंडिनस आर्च, टेंडिनस आर्च सारे मसल्स की अटैचमेंट है, ठीक है। ये देखिए बच्चे जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है ये आपका इधर एंटीरियरली अटैच के साथ और पोस्टीरियरली बच्चे ऐसे पीछे की तरफ आके मार्च करता है, ठीक है, दोनों साइड के प्यूबोरेक्टाइलिस मसल इनसर्कल करते हैं एनस को। नंबर टू क्या था प्यूबोकॉक्सिजियस मसल जो कि थोड़ा सा मीडियली मतलब मिड लाइन साइड पे अटैच है, वो टेंडिनस आर्च के एंटीरियर पार्ट में अटैच होता है, ठीक है, और पीछे की तरफ बचे क्योंकि इसका नाम प्यूबोकॉक्सिजियस है तो ये प्यूबिक बोन से लेके पीछे की तरफ कॉक्सिक्स पे जाके अटैच होगा दोनों साइड्स के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलियोकॉक्सिजियस मसल जो कि आइलियम बोन से लेके और पीछे कॉक्सिक्स पे जाके अटैच होता है, पोस्टीरियर हाफ वाले जहाँ पे मेरा एरो मार्क कर रहा है। उसके बाद आता है आपका कॉक्सिजियस मसल जो कि कॉक्सिक्स से डायरेक्टली जाके लैटरल पेल्विक वॉल पे इंसर्ट होता है। ये देखें बच्चे पेल्विक डायग्राम को समझाने के लिए एक और बहुत खूबसूरत डायग्राम जिसमें आपको सारे मसल्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ये देखें टेंडिनस आर्च यहाँ पे दी हुई है जो कि आपकी यूटेरिन टेंडन के लेवल पर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे डिफरेंट मसल्स के अटैचमेंट प्यूबोरेक्टाइलिस मसल यहाँ पे जाके आगे प्यूबिक बोन पे अटैच हो रहा है, फिर प्यूबोकॉक्सिजियस आपका टेंडिनस आर्च पे हो रहा है, फिर आपका जो मेजर चंकी मसल है आपके लिए ऑक्सीजियस वो अटैच हो रहा है पोस्टीरियर पार्ट पे टेंडिनस आर्च के, फिर आपका इसके पीछे जो सी मसल लिखा हुआ है एक्चुअली कॉक्सिजियस, डी मसल बचे हम लोग पेल्विक डायफ्राम में शामिल नहीं करते,
वो ग्लूटियल रीजन का मसल होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज पीरीफॉर्मिस मसल।